फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अप स्टॉक्स में किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस या फिर टारगेट कैसे लगा सकते हो, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में अप स्टॉक्स ऐप से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको अर्निंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वे आपको वहां पे मिलता रहता है, जिससे आप वहां पे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपस्टॉक्स ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अपस्टॉक्स ऐप का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके अपस्टॉक्स ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपस्टॉक्स ऐप में लॉगिन करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आपके सामने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वॉच लिस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, जिसमें आप अपने पसंद का स्टॉक रख सको। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक एरो का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने वॉच लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पे आपको न्यू वॉच लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आपको एक प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे वॉच लिस्ट नेम एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने वॉच लिस्ट का नेम एंटर करना है। आप जो भी नाम रखना चाहते हो वे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट का स्विंग ट्रेडिंग नाम रख देता हूँ। नाम इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट लिस्ट का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपका वॉच लिस्ट है वे क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने एक न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट किया है, तो अब आपको यहाँ पे स्टॉक को भी एड करना होगा। तो यहाँ पे स्टॉक एड करने के लिए सिंपली आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कंपनी ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको उसका नाम रखना है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे रिलायंस कंपनी को ऐड कर लेता हूँ। सिंपली हमें यहाँ पे रिलायंस लिखना है। जैसे ही हम रिलायंस लिखेंगे हमारे सामने रिलायंस कंपनी आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एनएससी इक्विटी लिखा हुआ है और यहाँ पे साइड में इसका प्राइस चल रहा है और यहीं पे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ से बैक आना है। जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिलायंस कंपनी ऐड हो गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप और भी कंपनी को ऐड कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए हम TCS कंपनी को ऐड कर लेते हैं। फिर से हमें यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो ये कंपनी है वे हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। यहाँ पे चलिए हम एक और कंपनी ऐड कर लेते हैं, विप्रो। तो यहाँ पे हमने विप्रो सर्च कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो कंपनी आ गया है। सिंपली हमें यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये कंपनी हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और कंपनी ऐड करेंगे, HDFC बैंक। चलिए हम यहाँ पे HDFC बैंक सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक आ गया है। फिर से हमें प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब इस तरीके से यहाँ पे आप जो भी स्टॉक ऐड करना चाहते हो सिंपली आप उसे ऐड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर लिया, बट यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अकाउंट में पैसे ऐड करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमें साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट का, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ऐड फंड्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो नीचे ऐड फंड्स लिखा हुआ है, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना भी पैसा ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको उतना अमाउंट इंटर करना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं 1000 अमाउंट इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट मेथड्स। यहाँ पे आप UPI के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अदर पेमेंट्स मेथड्स भी मिल जाते हैं, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको ₹7 ट्रांजेक्शन फी पे करने होंगे। वहीं अगर आप UPI के थ्रू यहाँ पे पैसे ऐड करते हो तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन फी पे नहीं करने होंगे। तो मैं यहाँ पे UPI के थ्रू ही पैसे पे करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि जो भी आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड किया है उसी बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। अगर आप किसी दूसरे बैंक के थ्रू यहाँ पे पैसे ऐड करते हो तो वे पैसे ऐड नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे वैलेट में ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, आप देख सकते हो 26,108 रुपए और 30 पैसा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पैसे ऐड नहीं करने
करने वाला हूँ, आप यहाँ पे पैसे ऐड कर लेना। अब चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं और यहाँ पे हम अपने वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पैसे ऐड कर लिए, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम कोई भी शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। बट शेयर बाई और सेल करने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। जैसे कि ट्रेडिंग कई टाइप्स के होते हैं, कई लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है? इंट्राडे ट्रेडिंग वे हुआ जिसमें आप आज ही शेयर को बाई करते हो और आज ही शेयर को आपको सेल भी करना होता है। जैसे कि सुबह में 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और शाम को 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है, तो आपको इसी टाइम के अंदर में अपने शेयर को सेल करना है। अगर आप सेल नहीं करते हो तो 3:15 पे ऑटोमेटिक जो भी आपका ब्रोकर होगा वे आपके शेयर को सेल कर देगा, अगर आपने इंट्राडे में शेयर बाय किया है तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी शेयर को यहाँ से बाय कर रहे हो या फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी शेयर को बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिलीवरी में बाय करना होता है। अगर आप डिलीवरी में बाय करते हो तो आप अपने अनुसार जितना दिन चाहो उतना दिन आप उस शेयर को अपने होल्डिंग्स में रख सकते हो, जब आपका मन करे तब आप उस शेयर को बेच सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूँ कि आप डिलीवरी में कैसे शेयर को बाय कर सकते हो और इंट्राडे में शेयर को कैसे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ मोबाइल पे देख के यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए जिस पे आप एनालिसिस करके चार्ट को देखकर यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको। जैसे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो लैपटॉप में मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे मैं चार्ट को देखता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मुझे रिलायंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो मैं सिंपली रिलायंस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही हम रिलायंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने समरी आ जाएगा। अब रिलायंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे कितने प्रमोटर्स है और यहाँ पे वन डे में कितना हाई लगाया है, कितना लो लगाया है, यहाँ पे 52 वीक में हाई पे है या फिर लो पे है, ये सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है चार्ट्स का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिलायंस का चार्ट्स देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे रिलायंस का आपको चार्ट दिख रहा है। अब फ्रेंड्स यहीं पे आप चाहो तो कोई स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप चाहो तो कोई इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ऐप का जो आइकन है सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। अब इसमें से चाहो तो आप कोई भी इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं एक मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपने यहाँ पे इंडिकेटर्स का नाम एंटर करते हो आपके सामने यहाँ पे नीचे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। सिंपली आपको अपने इंडिकेटर्स सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको इंडिकेटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है ये 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ 20 मूविंग एवरेज ऐड करना, तो सिंपली यहाँ पे हमें 20 इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज लग गया है। इस तरीके से यहाँ पे आप इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली शेयर को बाय करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बाय का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने क्वांटिटी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, प्राइस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप कितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हो रिलायंस का, तो यहाँ पे चलिए मैं 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइस है वो मार्केट है, यानी मार्केट का मतलब ये हुआ कि जितना भी अभी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। और यहीं पे आप देख सकते हो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिमिट का। जैसे ही आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो अब आप अपने प्राइस पे शेयर को बाय कर सकते हो। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 2500 रुपया 45 पैसा, मैं चाहता हूँ कि इसे 2500 रुपया पे बाय करना, तो मैं यहाँ पे 2500 रुपया यहाँ पे इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो लिमिट प्राइस है वे यहाँ पे इंटर हो गया। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कोई भी शेयर को बाय कर रहे हो, यानी आज अगर आपने शेयर को बाय किया है तो आज ही आप सेल नहीं करना चाहते हो, आप कुछ दिन के बाद यहाँ पे शेयर को सेल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डिलीवरी में बाय करना है। अगर आप आज ही शेयर को बाय करना चाहते हो और आज ही इसे सेल भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंट्राडे पे क्लिक करना है। अब इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क आपको ये देखने को मिल जाएगा कि डिलीवरी में एक शेयर का जितना भी पैसा होगा उतना आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2529 रुपए है तो इसके हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे। आप देख सकते हो 2 शेयर का यहाँ पे 5050 रुपए मुझे पे करने होंगे। वहीं अगर आप इंट्राडे में इसे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ मार्जिन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं 2 शेयर सिर्फ 1010 रुपए में यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तो डिलीवरी में हमें ज्यादा पैसे पे करने होते हैं और इंट्राडे में हमें काफी कम पैसे पे करने होते हैं, यहाँ पे हमें मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे बाय करने का दोनों का सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं इसे मार्केट पे बाय करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ऑर्डर का समरी आ जाएगा। अब अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 2 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1012 रुपया मुझे पे करना होगा, प्लस यहाँ पे मेरा जो चार्जेज लगेगा वह 3 रुपए 34 पैसा लगेगा। अब सिंपली यहाँ पे मैं सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो शेयर
होगा वे बाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे कम्प्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे शेयर बाय नहीं होता है तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, बट अभी हमारा जो ऑर्डर है वे कम्प्लीट हो गया है तो ये शेयर बाई हो गया है। अब सिंपली यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पोजिशन में आपको दो पोजिशन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग किया था और दो कंपनी के यहाँ पे शेयर को मैंने बाय किया था, एक एशियन पेंट और यहाँ पे एक रिलायंस का। तो एशियन पेंट में मुझे लॉस हुआ था और यहाँ पे रिलायंस में मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो इसी में मैंने अभी दो क्वांटिटी बाय किया है। यहाँ पे आप क्वांटिटी के सामने देख सकते हो कि आपने यहाँ पे कितना शेयर बाय किया है। तो मैंने दो शेयर बाय किया है और अभी आपको जो ये 681 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है तो ये मैंने पहले बाय किया हुआ था तो उसका प्रॉफिट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो रिलायंस का दो शेयर बाय किया है वे मैंने बाय किया था 2530 रुपया और 40 पैसा, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है रिलायंस का वे 2527 रुपया 95 पैसा यहाँ पे चल रहा है, 28 रुपया भी हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगभग 2 रुपया या फिर 3 रुपया इस तरीके से लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना, कि मुझे यहाँ पे 5 रुपया या फिर 6 रुपया या फिर 10 रुपया से ज्यादा मुझे लॉस ना हो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको अपने पोजीशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपके सामने आ जाएगा स्क्वायर ऑफ और बाय का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा स्टॉप लॉस का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर टाइप है, यहाँ पे लिमिट है, एसएल लिमिट है और यहाँ पे एसएल मार्केट है। तो यहाँ पे आपको कभी भी एसएल लिमिट लगाना है, यहाँ पे आपको एसएल मार्केट नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पे एसएल मार्केट लगाओगे तो कभी कभी यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वे हिट भी नहीं होगा, आपको थोड़ा ज्यादा भी लॉस हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एसएल लिमिट लगाते हो तो यहाँ पे आपने जितना भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उतना पे जैसे ही मार्केट आएगा वे हिट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको एसएल लिमिट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जितना पे भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो उतना आपको यहाँ पे प्राइस एंटर कर देना है। जैसे कि अभी 2529 रुपए और 80 पैसे चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 2520 रुपए यहाँ पे प्राइस आए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यहाँ पे मैं 10 रुपए 40 पैसे से ज्यादा लॉस लेना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें दो प्राइस एंटर करना होगा। प्राइस में कभी भी ट्रिगर प्राइस से कम अमाउंट आपको एंटर करना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे हम 2520 रुपए यहाँ पे रखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है वे यहाँ पे हम 0.5 पैसे बढ़ा देंगे, यानी 2520 रुपया 0.05 यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें रिव्यू सेल ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा सबमिट ऑर्डर का ऑप्शन। सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो हमारा ट्रिगर है वे लग जाएगा। अब जैसे ही 2520 रुपया पे प्राइस आएगा यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वे हिट हो जाएगा और हमें यहाँ पे 10 रुपया 40 पैसे का लॉस हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ट्रिगर पेंडिंग है क्योंकि अभी जो प्राइस है वे हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी प्राइस वहीं पे आ गया जितना पे हमने बाय किया था, यानी हमने 2530 रुपया और 40 पैसे पे बाय किया था और अभी यहाँ पे 4550 चल रहा है। तो अब मान लो कि यहाँ पे हमें टारगेट लगाना है, तो टारगेट कैसे लगाएंगे? अब यहाँ पे हमने 10 रुपया 40 पैसा अपना स्टॉप लॉस लगाया है, तो मिनिमम आपको 1:1 प्रॉफिट बुकिंग करना होता है इंट्राडे में। तो आपको अपने एंट्री प्राइस से 10 रुपया 40 पैसा ऊपर आपको अपना टारगेट लगाना है। वहाँ पे आपको मिनिमम 1:1 का टारगेट मिल जाएगा, यानी जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। यहाँ पे आप चाहो तो 1:2 भी बुक कर सकते हो, तो वे आपके ऊपर निर्भर करता है, बट यहाँ पे मिनिमम 1:1 मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमें टारगेट लगाने के लिए फिर से हमें यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अभी हमने स्टॉप लॉस लगाया है तो सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक ही बार में स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगा सकते हो। अगर आपको वे दोनों एक ही बार में लगाना है तब आप GTT ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो, उसमें आपको दोनों ऑप्शन एक ही बार में मिल जाएगा, बट इसमें आपको या तो टारगेट लगाना होगा या फिर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें टारगेट लगाना है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्राइस एंटर करने का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हो ऊपर जो प्राइस एंटर करने का ऑप्शन है इसी में अब आपको अपना टारगेट प्राइस एंटर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2530 रुपए और 40 पैसे पे यहाँ पे मैंने दो शेयर बाय किया था, तो यहाँ पे मैं 10 रुपए 40 पैसे और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वे होगा 2540 रुपए 80 पैसे पे। यहाँ पे हमारा जो 1:1 टारगेट है वे आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो लग जाएगा। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे 2540 रुपए 80 पैसा पे जाएगा ऑटोमेटिक जो हमारा पोजीशन है वे एग्जिट हो जाएगा और हमें यहाँ पे 10 रुपए 40 पैसा का प्रॉफिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अभी ही अपने शेयर को सेल करना चाहता हूँ तो फिर से यहाँ पे आपको ऑर्डर्स पे जाना है और यहाँ पे आपने जो भी ऑर्डर्स लगाया है उसमें मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे जो भी आपका शेयर होगा वे सेल हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक शेयर सेल कर सकते हो या फिर आपने जितना बाय किया है वे सभी सेल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो शेयर बाय किया है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक शेयर ही सेल करूँ, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक शेयर लिख दूंगा। एक शेयर लिखकर यहाँ पे जैसे ही मैं सेल करूंगा तो यहाँ पे एक शेयर सेल हो जाएगा और एक शेयर का पोजीशन अभी भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दोनों शेयर को सेल करना, तो सिंपली यहाँ पे दो हम इंटर कर देंगे, उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वे कंप्लीट हो गया।
गया है और जो दो हमने अभी शेयर बाय किया था वे अभी सेल हो गया है। चलिए यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वांटिटी के सामने यहाँ पे आपको कोई भी शेयर देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि हमने जो भी शेयर बाय किया था वे सेल कर दिया है। और आज जो मैंने ट्रेडिंग किया है उसमें आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हो, टुडे का जो प्रॉफिट है वे 283 रुपए और 75 पैसा है, तो ये मेरा प्रॉफिट है। अब फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को डिलीवरी में बाय करते हो तो वे जो शेयर है वे आपको अगले दिन पोजीशन में नहीं दिखेगा। आज आपने बाय किया है तो आपको ये आज पोजीशन में दिखेगा, अगले दिन वे आपके होल्डिंग्स में दिखेगा। यही पे पोर्टफोलियो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होल्डिंग्स का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने डिलीवरी में शेयर बाय कर रखा होगा वे सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपस्टॉक्स ऐप में शेयर को बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्कवर का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। अब जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक SIP और एक वन टाइम का। तो वन टाइम का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ आज ही पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और SIP का मतलब ये हुआ कि आप एक टाइम लिमिट कर दे रहे हो, उसी टाइम पे आपके ऑटोमेटिक पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे वन टाइम या फिर SIP सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पैसे आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा तो ये काफी और भी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप उस वीडियो को देखकर आप स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कवर में आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स होंगे वे सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा शेयर अभी बाय में चल रहा है और कौन सा शेयर अभी सेल में चल रहा है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन का वाइड डाटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन का स्मार्ट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा जिसमें लोग ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप न्यू हो तो आप ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करना, यहाँ पे आप स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको अपस्टॉक्स ऐप से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि जो आपका प्रॉब्लम है वे सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।